पर जोधपुर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई सौगातें प्रदेश को दी। इन सौगातों के बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से बेरोजगारी को समाप्त कर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसी की श्रृंखला में 13वें रोजगार मेला जोधपुर के पीजी महिला महाविद्यालय में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। यहां पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत और शहर विधायक अतुल भंसाली मौजूद रहे। इस दौरान डाक विभाग, रेलवे, बीएसएफ और एसएसबी में चयनित हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। सामान्य बोलचाल की भाषा में यह कहा जाता था कि नौकरी या तो पर्ची से मिलती है या खर्ची से मिलती है। जब पिछले 10 साल से पहले जब यूपीए का शासन था, अभी हरियाणा के चुनाव के समय में भी जब गांव में जाने का अवसर मिला, हर गांव में लोग इस बात को याद करते थे कि पहले के 10 साल में पर्ची खर्ची का जो सिस्टम था उसको बीजेपी की गवर्नमेंट ने बदल दिया, अब पारदर्शिता के साथ में नौकरियां मिल गई। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लेवल तक की नौकरियों में इंटरव्यू व्यवस्था के चलते हुए होने वाले भाई भतीजावाद के कारण से जो पारदर्शिता बाधित होती थी उसके को एड्रेस करने के लिए इंटरव्यू व्यवस्था समाप्त की। उसके कारण से पारदर्शी तरीके से अपनी योग्यता, अपने परिश्रम और पुरुषार्थ और अपनी प्रतिभा के आधार पर आज युवाओं को नौकरी मिलने लगी है और निश्चित रूप से उसके कारण से वो अत्यंत संतुष्ट भी है। मुझे डाक सेवक में बीपीएम के पद पर नियुक्ति मिली है और यहाँ पे इस जो रोजगार मेला प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित किया गया, इससे मुझे ज्वाइनिंग में बहुत ज्यादा सुविधा महसूस हुई और इस रोजगार से मेरे परिवार के सभी सदस्य बहुत अधिक प्रसन्न है और मुझे भी अत्यधिक प्रसन्नता है। मेरा नाम है पुरेन कसाना। मुझे आज बीएसएफ में ज्वाइनिंग पाकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। मुझे आज रोजगार मेले में आने का एक अवसर प्राप्त हुआ जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक स्कीम के द्वारा मुझे ज्वाइनिंग प्राप्त हुई। नॉर्मली क्या होता है कि ज्वाइनिंग जब लेने जाते हैं तो विभाग के बार बार चक्कर लगाने के बावजूद हमें काफ़ी समय बाद में ज्वाइनिंग मिलती है, लेकिन यहाँ आज रोजगार मेले में मुझे आगे से बुलाया गया सरकार द्वारा और मुझे अपना ज्वाइनिंग लेटर दिया गया जो कि